तो एपिसोड नंबर 7 ब्रेकिंग बैड सीजन फर्स्ट का लास्ट एपिसोड। सीन स्टार्ट होता है एक स्कूल मीटिंग से जहाँ पे पेरेंट्स भी आए हुए रहते हैं और अभी अभी ह्यूगो को जो पकड़ा है उसके बारे में डिस्कशन हो रही होती है। डीए और उनकी प्रिंसिपल उनको दिलासा देती है कि सब ठीक है, उनको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रैंक उसी मीटिंग में बोर होने लगता है और स्काइलर को फिंगर करने लगता है। मीटिंग खत्म होने के बाद स्काइलर और वॉल्टर कार में ही सेक्स करते हैं। अब जेसी उसके आंट के घर में नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ सब ब्लड वगैरह सब हो चुका है, तो इसलिए अब जेसी उसको सेल करना चाहता है। तब कुछ क्लाइंट्स आए हुए रहते हैं जेसी के यहाँ और जेसी वैन में ही पड़ा हुआ रहता है। वॉल्टर तभी वहाँ आ जाता है और जेसी को जाकर बोलता है कि वो अब सब पैसे ले आया है टूको से। जेसी ज़रा नाराज़ हो जाता है कि क्यों अभी वॉल्टर को टूको से बिजनेस करना है। वॉल्टर उसे एक्स्ट्रा 15K भी दे देता है। वॉल्टर जेसी को ये भी बताता है कि हमें अब 2 पाउंड्स प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो जेसी उसको बताता है कि यह इम्पॉसिबल है क्योंकि उन्हें बहुत सारा सूडो लगेगा और इतना सूडो लाना एक इम्पॉसिबल बात है क्योंकि ड्रग स्टोर पर जाके बहुत ही कम अमाउंट में ही एक सूडो मिलता है। नेक्स्ट सीन में स्काइलर और वॉल्टर डॉक्टर से मिलने आए हुए रहते हैं। तभी डॉक्टर सब बोलता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है। स्काइलर डॉक्टर को बताती है कि वॉल्टर की तबीयत अब बहुत ही अच्छी होती जा रही है, उसकी एनर्जी भी बढ़ चुकी है और उसकी सेक्सुअली भी ये बहुत एक्टिव रहने लग रहा है। डॉक्टर उन्हें बोलता है कि अब इसका मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बहुत अच्छे से सूट हुआ है वॉल्टर को। नेक्स्ट वीक वॉल्टर और जेसी जब टुकू को मिलते हैं तब उनके पास बहुत ही कम मैथ होता है, वो आधा पाउंड भी नहीं होता। वॉल्टर ने एक डिस्टिंक्ट कार स्क्रैप की एक जगह चुनी होती है, उस जगह कोई आता जाता नहीं, तो जेसी पहले ही उसको बताता है कि मॉल में हमें करना चाहिए था या किसी पब्लिक स्पेस में करना चाहिए था, वो ज़्यादा सेफ होता है। टुको भी यही बात वॉल्टर से बोलता है। टुको जब देखता है कि वॉल्टर ने बहुत ही कम मैथ लाया है तो वो गुस्सा हो जाता है कि वो बोलता है कि वॉल्टर तुम्हें तो मैंने एक प्रोफेशनल माना था पर ये क्या है, तो गुस्सा होकर सिर्फ आधे पाउंड के ही वो उसे पैसे दे देता है। पर वॉल्टर बोलता है कि मुझे वो पूरे पैसे चाहिए, ये एक बिजनेस का इन्वेस्टमेंट समझ लो और मुझे पूरे पैसे दे दो। तो टुको बोलता है कि तुम्हें ये एक लोन की तरह मैं दे सकता हूँ 25% के इंटरेस्ट से, और वॉल्टर मान जाता है। इसके बदले में वॉल्टर उसे 2 पाउंड नेक्स्ट वीक में मैथ देने वाला होता है। टुको वॉल्टर को एक वार्निंग देता है कि मुझसे बिजनेस करना तो ठीक है पर मेरे पैसे इंटरेस्ट से लेना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। जेसी वरीड हो जाता है और वॉल्टर को बोलता है कि तुमने ये क्या कर डाला। जेसी बहुत ही टेंशन में होता है तब वॉल्टर उसे बताता है कि अब हम डायरेक्टली सीडो से नहीं करेंगे, एक बहुत सारे इक्विपमेंट्स की लिस्ट वॉल्टर जेसी को देता है और उसे बोलता है कि अब तुम ये सब लाओगे, ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है पर अब अगर तुमने ये सब ला दिया तो हम डायरेक्टली ओरिजिनल केमिकल्स से मेथ बनाएंगे। जेसी घबरा जाता है और बोलता है कि मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, मुझे अब ये सब नहीं करना। पर वॉल्टर उसे कॉन्फिडेंस देता है कि तुम ये कर सकते हो, पूरे लाइफ के लिए तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा इस सब चीज़ों से। नेक्स्ट सीन में स्काइलर का बेबी शॉवर चल रहा होता है। बेबी शॉवर की जो शूटिंग वॉल्टर जूनियर कर रहा होता है तो वॉल्टर वहाँ एक बहुत अच्छी स्पीच देता है अपनी बेटी के लिए। वो अपनी बेटी को देख नहीं पाएगा तो इसलिए वो बहुत ही अच्छे मैसेज अपने बेटी को देता है। बेबी शॉवर में जब सब प्रेजेंट्स खोल रहे होते हैं तब मरी भी स्काइलर के लिए एक प्रेजेंट लाती है। वो एक टियारा होता है जिसमें डायमंड्स और गोल्ड का भी वो बना हुआ होता है। हैंक वॉल्टर को बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ पीने के लिए है क्या, तो वो अपने बैकयार्ड में दोनों पीते हैं और तभी हैंक एक क्यूबन सिगार निकालता है, तो वॉल्टर उसे कहता है ये तो इलीगल है, तो हैंक बोलता है इतना तितना चलता है। तो उनमें डिस्कशन होता है कि हम कैसे ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या इलीगल या क्या लीगल है। कुछ साल पहले मैथ भी लीगल था, अब ये इलीगल हो चुका है, अगले साल क्या लीगल होगा इसका कोई पता नहीं है। वॉल्टर अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा होता है पर तभी हैंक उसे बोलता है कि कुछ चीज़ें इलीगल ही होनी चाहिए क्योंकि उससे लाइव्स तबाह हो जाती है, जैसे कोकेन। तो यही ये डिस्कशन ख़त्म हो जाती है।
प्रीवियस सीन में जब स्काइलर डॉक्टर से बात कर रही होती है तो वो एक अल्टरनेटिव मेडिकेशंस मतलब कुछ थेरेपी वगैरह इस जैसी चीज़ों के भी डॉक्टर को पूछती है। तो वॉल्टर अब उसे अच्छा सा टाइम चाहिए मैथ कुक करने के लिए, तो वॉल्टर स्काइलर को एक प्रोग्राम के बारे में बताता है जो नज़दीक ही होता है, और वो उसे बताता है कि वीकेंड्स में मैं जाना चाहता हूँ। इससे वॉल्टर को एक टाइम मिल जाएगा मैथ कुक करने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम जेसी की गैरेज में होते हैं। जेसी ने सब सामान लाया हुआ होता है। वॉल्टर जेसी से पूछता है कि मेथलमिन कहाँ है, तो जेसी उसे बोलता है कि वो नहीं मिल पाया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मैथ बनाने के लिए। तो जेसी बोल रहा होता है कि कुछ गाइस थे जो हमें मेथलमिन देने वाले थे, पर वो $10,000 मांग रहे थे, और वो मेथलमिन चुराने वाले होते हैं एक फैसिलिटी से। तो वॉल्टर जेसी को पूछता है कि वो फैसिलिटी कहाँ है। जेसी को वो मालूम होता है तो वॉल्टर बताता है कि क्यों ना हम ही उसे चुरा लें। जेसी उसको बोलता है कि वह एक गार्ड भी होता है और वह एक बड़ा सा लॉक है जिसे हम नहीं खोल पाएंगे। तो वॉल्टर को एक आइडिया आता है। वॉल्टर वो लॉक थर्माइट से फोड़ने वाला होता है। स्काइलर ने जो टियारा उसे मिला होता है बेबी शॉवर पे, मेरी ने उसे दिया होता है, तो वो टियारा उसे रिटर्न करना होता है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और अगर वो पैसे मिल जाए तो बेबी के लिए कुछ सामान भी वो ले सकती है, तो इसलिए वो रिटर्न करने जाती है। पर जब वो शॉप में जाती है और ओनर को बोलती है, तब ओनर उसे सिक्योरिटी बुलाकर एक रूम में बंद कर देता है। ओनर पुलिस को भी बुलाता है। तब वो ओनर उसे कहता है कि एक वीक पहले ये चोरी हो चुका था, हमने मेरी को पहले भी शूज़ की चोरी करते हुए देखा था, तो ये भी मेरी ने चोरी कर लिया है। अब स्काइलर दिमाग लगाती है और उनको बोलती है एक प्रेग्नेंट वुमन को ज़बरदस्ती यहाँ बंद करके रखा है, अगर ये लोगों को पता चल गया तो हंगामा हो सकता है, और मेरा न्यूज़ चैनल में भी मेरे कनेक्शन है, तो मैं यहाँ बहुत ही बड़ा एक फसाद क्रिएट कर सकती हूँ। तो वो स्टोर मैनेजर या ओनर डर जाता है और स्काइलर को जाने देता है। स्काइलर मेरी को एक बहुत ही गुस्से में मैसेज भी छोड़ देती है। रात में वॉल्टर और जेसी उस फैसिलिटीज़ में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो तार कट करके अंदर घुस जाते हैं और गार्ड का आने का वेट करते हैं। एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, तो गार्ड जब सर्कल करेगा तभी वो मेथलमीन चुराने वाले होते हैं, पर गार्ड बीच में ही रुक जाता है और वो टॉयलेट में जा रहा होता है। जब वो टॉयलेट में होता है तभी वॉल्टर को एक आइडिया आता है, और वॉल्टर और जेसी उसे टॉयलेट में ही बंद कर देते हैं, उसके टॉयलेट को डोरी से बांध देते हैं। वो थर्माइट से दरवाज़ा खोल लेते हैं, पर जब वो अंदर जाते हैं तब मेथलमीन का छोटा सा गैलन में एक क्वांटिटी उन्हें नहीं मिलती, तो बहुत बड़ा एक टब ही होता है जो वो उठा लेते हैं। उस टब को लेके ही वो स्लोली स्लोली भाग जाते हैं। नेक्स्ट दिन जब जेसी और वाटर वैन शुरू करने की कोशिश करते हैं तो वैन शुरू ही नहीं होती, और ज़्यादा फोर्स करने पर वैन का मशीन ही टूट जाता है और वहाँ से धुआं निकलने लगता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम अब बेसमेंट में ही मैथ बनाना शुरू कर देंगे। पर जैसे हमें एपिसोड के फर्स्ट में दिखाया गया कि जेसी अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, तो उसकी जो एजेंट्स होती है तो उसने उसी दिन ओपन हाउस रखा हुआ होता है। बहुत सारे लोग हाउस देखने के लिए आए हुए होते हैं। जेसी उसे बहुत सारे मैसेजेस भी लेफ्ट करता है, पर उस एजेंट का फ़ोन कार में ही बंद रहता है। तो जेसी को बेसमेंट के दरवाजे को पकड़ कर रखना पड़ता है, यानी कोई अंदर ना आ सके। एक आदमी ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, तो जेसी सबको बाहर निकलने के लिए बोलता है। मरी स्काइलर के फ़ोन भी नहीं उठा रही होती है और उसको बहुत ही इग्नोर कर रही होती है, तो डायरेक्टली स्काइलर उसके वर्क प्लेस पर आ जाती है और उससे कन्फ्रंट करती है। मरी पूरी तरह से ये सब डिनाई कर देती है, इसलिए स्काइलर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घर आ जाती है। जब वॉल्टर घर आता है तो स्काइलर उसे एक जूस देती है और वो डिस्कशन के लिए बैठते हैं। तो स्काइलर उसे पूछती है कि कैसा रही तुम्हें थेरेपी, तो वॉल्टर बोलता है अच्छी थी। स्काइलर मरी के बारे में बोलती है कि उसने जो टियारा उसे दिया था तो वो चोरी का था। वॉल्टर उसे बोलता है कि फैमिली के लिए लोग कुछ भी गलत कर सकते हैं। वॉल्टर स्काइलर से पूछता है अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो तुम क्या करोगी। स्काइलर उसे बताती है कि
कि तुम इमेजिन भी नहीं करोगे मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। नेक्स्ट सीन में वही जगह वॉल्टर जेसी टुको को मिलने जाते हैं। टुको को वो सब मिथ दे देते हैं। तभी टुको बोलता है कि बहुत ही बढ़िया है और हम दोनों मिलके बहुत पैसा कमाएंगे। तभी टुको का एक साइडमैन उसे वॉल्टर को बोलता है कि सिर्फ याद रखना कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। टुको को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और टुको उसे बहुत मारता है। टुको मार मार कर उसे बेहोश कर देता है और दूसरे आदमी को बोलता है बॉडी कार में रखने के लिए। वॉल्टर और जेसी बहुत घबरा जाते हैं और यही ये सीजन खत्म हो जाता है।